आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला वीडियो लेक्चर मेरा होगा वह क्लासिकल मैकेनिक्स के रिगार्डिंग कुछ इंट्रोडक्टरी बातों के लिए होगी। जैसा आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में कुछ बातें ऐसी भी होगी जिसका क्लेरिफिकेशन आगे चल करके हम लोगों को मिलेगा। इस वीडियो का शुरुआत हम आइंस्टीन के एक स्टेटमेंट से करना चाहते हैं। इक्वेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज पॉलिटिक्स इज फॉर द प्रेजेंट बट एन इक्वेशन इज समथिंग फॉर इटर्निटी। इस स्टेटमेंट को हम लोग जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे या फिजिक्स के किसी ब्रांच को पढ़ते हैं तो इस स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है। एक्चुअली फिजिक्स को कहा ही गया है कि ये सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी है। फिजिक्स को आप कह सकते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं एट फर्स्ट हम एक पंक्ति में अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाइन करें तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि दिस इज ए स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज। मोशन का स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है। अब ये मोशन का जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो फिजिकल सिस्टम है एक्चुअली ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक लार्जर सिस्टम जैसे प्लैनेट है, स्टार है, गैलेक्सीज है, ऐसे सिस्टम का स्टडी सब्जेक्ट मैटर होता है जनरल रिलेटिविटी, जिसे आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कह सकते हैं। फिर जो माइक्रो पार्टिकल्स का स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है। और जो इंटरमीडिएट साइज का पार्टिकल है, पार्टिकल्स या बॉडीज ऑफ इंटरमीडिएट साइज, सेंस हमारा है कि जो डे टू डे लाइफ में जिस बॉडी से हम इनकाउंटर्ड होते हैं एक्चुअली वैसे बॉडीज के मोशन का स्टडी ही क्लासिकल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है। हमारा जो स्टडी का प्लान होता है क्लासिकल मैकेनिक्स का ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स का तीन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेशन हम लोग पढ़ते हैं। CM फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन,
न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन सेकेंड वन इज लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन एंड थर्ड वन इज हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन एक्चुअली किसी भी डायनामिकल सिस्टम का जब हम मोशन का स्टडी करते हैं तो इस प्रॉब्लम में मुख्य रूप से दो स्टेप आता है। पहला स्टेप होता है उस सिस्टम के मोशन को गवर्न करने वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जो एक्चुअली एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आइदर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सबसे पहले हमें वह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो डायनामिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का टू स्टेप्स, फर्स्ट वन इज राइटिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द मोशन ऑफ द सिस्टम। इनफैक्ट ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो दूसरा स्टेप होता है वह दूसरा स्टेप उसी इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन करना, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इंट्रोडक्शन में हम बिल्कुल ही कंसाइज रूप में नट सेल में ये जो तीन फॉर्मुलेशन है न्यूटोनियन तो अब इन नट सेल जो तीन फॉर्मुलेशन हम लोगों ने अभी देखा ऊपर कि क्लासिकल मैकेनिक्स का है, न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। तो एट फर्स्ट हम लोग इन नट सेल इस तीनों फॉर्मुलेशन के कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी एक थ्योरी के बाद कोई दूसरा थ्योरी डेवलप होता है तो ये बात ओबियस है कि पहले के कंपैरिजन में दूसरा थ्योरी कुछ न कुछ सुपीरियर होगा। इसलिए न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन के रिस्पेक्ट में लैग्रेंजियन सुपीरियर होगा, लैग्रेंजियन के रिस्पेक्ट में हैमिल्टोनियन सुपीरियर होगा। इस लेक्चर के सीरीज में न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन के डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा दूसरा कोर्स होगा लोअर क्लासेज के लिए। हमारा बेसिक फोकस लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन पर होगा, लेकिन इस इंट्रोडक्शन में हम लोग इस तीनों फॉर्मुलेशन के कुछ खास बातों को बिल्कुल नट सेल में जानेंगे और थोड़ा सा उसके सुपेरिटी की भी चर्चा करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन। न्यूटोनियन
फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन का जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आप सबों को मालूम भी होगा। दिस इज सिंपली एफ इक्वल टू डी पी डी टी, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एक्चुअली हम लोग इस इक्वेशन को न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यह इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है और एक अभी जैसा लिखा हुआ वह फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअली ये इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। पी जो मोमेंटम है, आप इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफाइन करते हैं एम इंटू भी, और भी को डिफाइन करते हैं डी आर बाय डी टी। तो इस कंडीशन में अगर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा एफ इक्वल टू एम डी टू आर डी टी स्क्वायर। आर यहाँ पोजिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इक्विलिडियन स्पेस में। अगर R को हम उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दें तो दिस R विल बी सिंपली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर एक्स वाई जेड किसी भी पॉइंट का स्पेस कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, जो एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में उसका पोजिशन वेक्टर है R। अगर ये सब्स्टिट्यूशन आप कर दें देन दिस वेक्टर इक्वेशन विल बी स्प्लिटेड इनटू थ्री इक्विवेलेंट स्केलर इक्वेशंस। तो जो स्केलर इक्विवेलेंट इसका होगा, स्केलर इक्विवेलेंट दैट विल बी एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स मास एम डी टू एक्स डी टी स्क्वायर, एफ वाई इक्वल टू एम डी टू वाई डी टी स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू एम डी टू जेड डी टी स्क्वायर। जैसा आप देख रहे हैं कि जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर क्वांटिटी का यूज है, और आप जानते हैं कि वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान नहीं होता है, खास करके जब कोई रिग्रेस प्रॉब्लम आता है तो वहाँ उसके लिए जो इक्वेशन आता है उसका सॉल्यूशन बहुत ही कठिन हो जाता है। एक्चुअली ऐसे ही कठिनाइयों को ओवरकम करने के लिए लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन डेवलप हुआ, साथ ही साथ न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो फील्ड है वो भी थोड़ा लिमिटेड है। अगर हम इसे किसी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। इसलिए दूसरा फॉर्मूलेशन जिसे हम कहते हैं लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, आप देखेंगे कि उसका जो फील्ड है वो विथ रिस्पेक्ट टू न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन मोर विविड है। तो लेट अस स्टार्ट लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन।
लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में सबसे पहले इस बात को रेक्टिफाई किया गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में नहीं हो, फोर्स के टर्म में नहीं हो, बल्कि उसके जगह पर इक्वेशन ऑफ मोशन एनर्जी के टर्म में हो। एनर्जी एक स्केलर है और इसीलिए उस स्केलर इक्वेशन को हैंडल करना ज़्यादा आसान होगा। साथ ही साथ इस फॉर्मुलेशन में जो यूज हुआ वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जैसा नाम से ही क्लियर है, बाद में हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे जब टॉपिक का शुरुआत होगा। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के यूज से जो मैकेनिक्स का फील्ड है वह मोर विविड हो जाता है। इस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाता है, यद्यपि ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन केवल यहाँ लिखते हैं, जिसको जस्ट इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरली आप नहीं भी समझ सकते हैं। जो मोस्ट जनरल फॉर्म इसका लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का वह मोस्ट जनरल फॉर्म है dT by del t by del qk dot minus del t by del qk इक्वल टू qk। यहाँ t रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि दिस इज इनफैक्ट kth कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स एंड qk, दीज आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ जो k का वैल्यू है वह इनफैक्ट डिपेंड करता है हमारे सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम। k इज 1, 2, 3 and so on up to F, where F represents degree of freedom of the system, degree of freedom, number of degree of freedom। जैसे for example अगर 3 degree of freedom है तो K का मतलब 1, 2, 3 होगा। अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो k का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। इससे आप एक बात देखिए कि जो लैग्रेंज इक्वेशन है जनरल फॉर्म में यह लिखा हुआ है, अगर फिर सिस्टम हमारा कंजर्वेटिव होता है तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स लैग्रेंज इक्वेशन हो जाता है dDT del L by del qk dot minus del L by del qk equal to 0। यहाँ जो फंक्शन है L, दिस फंक्शन L इज इक्वल टू T माइनस V एंड T, जैसा आपने ऊपर देखा, दिस रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड V इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दिस फंक्शन L इज कॉल्ड लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम।
लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। अब ये जो फंक्शन है L, ये T और V पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि इसका डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन होगा। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन एनर्जी के टर्म में है। साथ ही साथ देखते हैं आप कि इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और K का जो वैल्यू है वह रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है सिस्टम का, तो ये इक्वेशन इनफैक्ट एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट ओनली वन इक्वेशन, बट इट रिप्रेजेंट्स f इक्वेशंस इफ f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। तो लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस होगा तो उसका सॉल्यूशन भी आसान होता है। लेकिन इस लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के फील्ड को भी और मोर विविड बनाया गया दूसरे फॉर्मूलेशन में, जिसे हम लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन इनफैक्ट प्रोवाइड करता है मोर डीपर इंसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। यहाँ जो लैग्रेंजियन फंक्शन है उसको के बदले इसमें हैमिल्टोनियन का यूज किया गया, H का यूज हुआ इंस्टेड ऑफ L। और स्पेस जहाँ लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में कॉन्फ़िगरेशन स्पेस था, उस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के जगह पर यूज किया गया कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के जगह पर फेज स्पेस। इसका आइडिया हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये फेज स्पेस बहुत ही क्लासिकल मैकेनिक्स का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट इसको कहा जाता है कि ये 6F डायमेंशनल स्पेस होता है, 6F डायमेंशनल स्पेस इफ F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम, देन डायमेंशन ऑफ द स्पेस विल बी 6F। सॉरी 6F नहीं, 2F, 2F डायमेंशनल स्पेस। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वह इनफैक्ट फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एच बाय डेल पी के, एंड नंबर टू पी के डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाय डेल क्यू के। दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप देख रहे हैं कि दीज आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो यहाँ इक्वेशन का संख्या f के बराबर नहीं बल्कि 2f के बराबर होगा, जबकि अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम था तो लैग्रेंज इक्वेशन का जो नंबर था वह f ही के बराबर था और यहाँ इक्वेशन का संख्या हो जाएगा 2f। हम लोग जब इनफैक्ट इस हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ ये भी डिस्कस करेंगे कि यह कैसे लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के रेस्पेक्ट में मोर सुपेरियर है। तो इस कोर्स में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हमने जैसा पहले ही कहा कि लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन पर ही हम लोग फोकस करेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन में इतनी ही बात। हम लोग लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन से शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में
और फिर लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में भी उसके बेसिक्स को देखेंगे और फिर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।